कुछ लोगों ने हम पे हमला किया, दरवाजा तोड़ के अंदर घुसे, लाठियों के साथ हम पे हमला किया। दोस्तों, बिग बॉस के एक्स कॉन्टेस्टेंट एक्ट्रेस और बीजेपी लीडर सोनाली फोगाट के देहांत हो गया है गोवा पर, आम जानते ही है, और उनका कारण बताया जा रहा है हार्ट अटैक। लेकिन दोस्तों, अब जानते ही है कि हार्ट अटैक से नहीं हुआ है, क्योंकि बदन में खरोच का निशान आया था और कुछ ऐसे बातें पता चल रहा है जो कि ये अननेचुरल डेथ या फिर सस्पिशियस डेथ कहा जा रहा है। पुलिस भी ये डिक्लेयर कर रहे हैं, तो ये केस भी दर्ज किया गया है। और उनके घर वालों से भी बताया जा रहा है कि पूरे परिवार से सोनाली को बात नहीं करने दिया जाता था, पीए सुधीर सांगवान, और उन्हें अरेस्ट भी किया गया है। तो दोस्तों, अभी जो बात है, अभी बात है लास्ट फोन कॉल की। जी हाँ दोस्तों, उनके परिवार के साथ, परिवार वालों के साथ जो सोनाली फोगाट के लास्ट फोन कॉल हुआ था, उसके बारे में आया सामने, उसका शायद कॉल रिकॉर्डिंग भी आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, सोनाली 2 दिन पहले गोवा पहुंच चुकी थी और वहां पर अंजुना बीच में रह रहे थे एक होटल पे। तो उनके बहन रूपेश ने बताया कि मुझे सोनाली के मौत से एक शाम पहले उनका फोन आया था और वे फोन में बात नहीं करना चाह रहे थे। वे कह रहे थे कि व्हाट्सएप में बात करें, क्योंकि फोन में बातचीत ट्रैक हो सकता है और फोन में बात रिकॉर्ड किए जा सकते हैं, तो इसलिए वे नहीं चाहते थे कि वे फोन में बातचीत करें, वे चाहते थे व्हाट्सएप में बात करें। और साथ में वो ये भी बताया कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है यहाँ पर, तो इसलिए व्हाट्सएप में मैं बात करना चाहता हूँ, मेरे साथ कुछ गड़बड़ चल रहा है। बाद में उन्होंने कॉल कट कर दिया और फिर हमने फोन किया था, लेकिन वो फोन नहीं उठाया। वही दूसरी बहन रमन ने कहा, मेरी बहन हार्ट अटैक से मर ही नहीं सकती है, क्योंकि वह बहुत फिटनेस फ्रीक है, वह अपने फिटनेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देती है। तो अगर कोई फिटनेस पे ज़्यादा ध्यान देती है तो वह हार्ट अटैक से ऐसे कैसे मर सकती है, वह बहुत फिट थी। उनके भतीजा यानी सोनाली फोगाट के भतीजा, उनके दोनों बहन, उनकी माँ अभी CBI जांच की बात कर रहे हैं, और ये क्लियरली मेंशन किया जा रहा है कि उनका जो देहांत है हार्ट अटैक से नहीं हो सकता है। और साथ में ये भी बताया जा रहा है कि बदन पे खरोच का निशान था, तो उनका परिवार वाले कह रहे हैं कि बदन में खरोच का निशान हो रहा है, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि उनका हार्ट अटैक से देहांत हुआ है, जो कि एकदम भद्दा बात है। तो इसका CBI जांच जरूर होना चाहिए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। दोस्तों, मुझे इंतजार रहेगा दोस्तों आपके देखे मेरे कॉमेंट का।